हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपी विश्वकर्मा में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम तैयारी किए हैं कुछ, पहले उसको दिखा लेते हैं। ये कांदा कटिंग करके लिया और ये हमने लहसुन कटिंग करके ले लिया है और हमने थोड़े से टमाटर कटिंग करके लिया है। ये दो टमाटर हमने कटिंग करके लिया है। तो हम किस चीज़ की तैयारी किए हैं और क्या बनाने वाले हैं तो इसको अब हम वीडियो में दिखाएंगे। तो उसके लिए आप लोग वीडियो वॉच कीजिए, तब तक मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने ले लिया है कढ़ाई और ये हमारी कढ़ाई गर्म है। हमने इसमें तेल डाल दिया है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें जीरा और इसको हम चटकने देंगे और चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना कुटा हुआ जो लहसुन है। तो अब चलिए हम उसको डालते हैं। तो ये लहसुन कुटा हुआ हमारा है, अब इसको थोड़ा सा ये भून लेंगे, हल्का ब्राउन कर लेंगे इसको। ये देखिए, तो ये हमारा हल्का ब्राउन में हो चुका है। अब इसमें हम अपना कटिंग किया हुआ कांदा डाल देंगे। अब इसको हम चला के भून लेंगे, इसको भी हमें हल्का ब्राउन ही करना है। तो इसको हल्का ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। तो ये देखिए, अब हमारा ये अच्छे से भुना चुका है लहसुन और कांदा। अब इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ मैं। ये हम डाल रहे हैं हल्दी पाउडर और थोड़े से मसाले इसमें डालेंगे। तो ये हमारे मसाले हो गए। अब थोड़ी सी हम मिर्ची पाउडर डालेंगे। ये हमारी मिर्ची पाउडर है, आप इसमें कश्मीरी मिर्च डालोगे तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं वो वाली नहीं डाल रही हूँ, सादी मिर्ची डाल रही हूँ। और इसको हल्का सा हम भून लेंगे, एकदम लो फ्लेम पे भूनना है नहीं तो मसाला जलने लगता है। अब इस पे हम टमाटर डाल देंगे अपना मसाले के ऊपर। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, तो ये हम ऐसे ही चला के मिक्स कर लेंगे, पूरा मसाला इसमें मेल्ट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा तो मिक्स करके हो गया। अब चलिए आगे हम बताते हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी अपना। इससे क्या है कि हम इसको कुछ टाइम तक अच्छे से मसाले को पका सकते हैं, अगर वैसे रहता है तो नहीं पका पाते हैं। तो इसके लिए हम पानी डाले हैं। अब पानी डाल के इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे। और ये नमक स्वाद अनुसार, और हमें नमक यहाँ दो चीज़ों में यूज करना है, इसके लिए हमें हिसाब से नमक डालना है, पहले भी और बाद में भी। तो ये नमक हो गया हमारा मिक्स करके, अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, अब इसको ऐसे ही ढक देंगे साइड में, पकेगा धीरे धीरे, लो फ्लेम पे ही पकाना है इसको। अब चलिए हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने देखिए बेसन ले लिया है थोड़ा सा, छोटी कटोरी से एक कटोरी है। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो ये हल्दी पाउडर हो गया, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही डाल रहे हैं। आप यहाँ हरी चटनी का भी यूज कर सकते हो। और ये मिर्ची पाउडर, तो इसको भी हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सौंफ पाउडर। तो ये हमने सौंफ को कूट के लिया है, तो ये डाल दिया हमने। अब इसमें नमक डालेंगे, जो कि हमने पहले ही बताया था कि हमें नमक दो बार यूज करना है इसमें। तो इसके लिए ये देखिए दूसरा वाला ये है नमक, तो हमारा दो बार हो चुका है नमक डाल के। अब इसको हम पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका हमें घोल बनाना है। और घोल हमें पतला नहीं बनाना है, हमें कड़क बनाना है। तो ये देखिए ऐसा कि चम्मच में उठाओ तो गिरे ना, ऐसा घोल हमें बनाना है। तो ये हमारा घोल बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक पॉलीथीन ले ली हूँ और ग्लास में डाल दी हूँ और अपना इसमें बैटर भर लिया मैंने। और भर के ये देखिए इस साइड से उठाऊँगी और कोने के साइड में इसको ले जाके सेट कर लूँगी। और सेट करने के बाद अब ये हमने पानी रखा था गर्म होने के लिए, अब इस पर अपनी चलनी रख के और उस थैली का थोड़ा सा हिस्सा कटिंग करेंगे मुंह पे। ये देखिए, अब थोड़ा सा चलनी में तेल लगा देंगे
तो ये हमारा तेल लगा के हो चुका है। तो चलिए अब बनाते हैं इसका हम। ये देखिए, आप इसका जैसा भी शेप देना चाहते हो ऐसा शेप दे सकते हो। तो मैं ये छोटी छोटी जो भजियाँ बनती है, पकोड़े बनते हैं, उसके जैसे ही इसको भी बना रही हूँ। तो ये मटर भी बोल सकते हो, चना भी बोल सकते हो। तो ऐसे ही हमें पूरा बना के ले लेना है। और हमारा पानी गर्म है, भाप निकल रही है, तो थोड़ा सा वो हो रहा है, तो आँच को थोड़ा कम कर लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आँच को कम करके बनाना स्टार्ट किया, पटाख से हो गया। अब इसको हम बना के ले लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से थाली से हम कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको ऐसे ढक देंगे, बस 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो अब मसाला चेक करते हैं, जब तक वो पकता है तब तक मसाला देखिए हमारा कितने अच्छे से भुन चुका है, तेल भी छोड़ दिया है अच्छे से। तो अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे दही। दही नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, मेरे पास था तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें। तो देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है, पर दही को ऐसे डाल के छोड़ना नहीं है, इसको जल्दी से मिक्स करना है, नहीं तो ये फट जाती है। तो इसको हम चला चला के ऐसे ही मिक्स करेंगे दही को। और फिर इसके बाद ये देखिए, हमारी दही डाल के भुन चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो हमें जितना ग्रेवी बनाना है उतना ही डालना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा डाल के देख रही हूँ, उसको चेक करते रहना चाहिए पतला है कि नहीं, तो यहाँ का मेरा वीडियो उड़ गया है। तो ये देखिए, मेरा 2 मिनट में ये बन के रेडी हो चुका था। तो अब इसको मैंने निकाल के ले लिया है। ये देखिए हमारा ये बन चुका है। अब इसको साइड करेंगे। और मैंने इधर अपना ग्रेवी पकने के लिए रखा था, देखिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन का जो बैटर था बच गया था, तो ऐसे ही डायरेक्टली इसमें डाल दिया है। आप भी डाल सकते हो अगर जल्दबाजी रहे तो, अगर नहीं जल्दबाजी रहे तो ऐसे भी बना सकते हो। तो मैंने 2 तरह से इसमें डाला है, बिना उबाले भी इसमें डाली हूँ, और ये पानी के ऊपर मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के उबाल के डाले हैं चने के जैसे। तो देखिए अब इसको मैंने ऐड कर दिया है। अब ये हमारी सब्जी पक चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी धनिया हमने डाल दिया। तो देखिए ये बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्जी है। तो फ्रेंड्स देखिए, है ना छोटे छोटे बॉल्स, ऐसे हम बेसन की बड़ी पीसेस बना के डालते हैं तो उसको खाने में भी ये होता है। और वैसे भी तो ये देखिए कितने अच्छे से इसका शेप भी आया है, और कितनी अच्छी हमारी सब्जी भी लग रही है, और खाने में तो और भी टेस्टी लग रही है। इसमें दही डाला हुआ है, टमाटर भी एक्स्ट्रा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।